बड़ी खबर आ गई हमारे पास, चीन के झूठ से जुड़ी हुई दरअसल ये बड़ी खबर है। गलवान में मारे गए चीन के जवानों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनसे ये साफ हो गया है कि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे और वो अपने सैनिकों की मौत का ये आंकड़ा छिपा रहा था। 15 जून को गलवान में जो झड़प हुई थी, चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था भारतीय जवानों ने, पीएलए को सबक सिखाया था इस दौरान, और इसी घटना में चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। हालांकि बिहार रेजिमेंट के 16 जवानों समेत 20 जवान कुल भारत के शहीद हुए थे गलवान में हुई घटना में, और इसीलिए बार बार पूरे देश से ये मांग उठ रही थी कि गलवान में जिन जवानों ने शहादत दी है, हमारे जो जवान वहां शहीद हुए हैं, ये शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, चीन को सबक सिखाना जरूरी होगा। और देखिए, बातचीत के चैनल्स तो खुले थे लेकिन सेना के जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर जरूरत हुई सैन्य विकल्प अपनाने की तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बड़ी खबर यहां पर ये आ रही है कि चीन वो देश जो अपनी सेना को हुए नुकसान का आंकड़ा भी जाहिर नहीं कर रहा था, खबरों को छिपाने के लिए तो चीन वैसे ही विश्वविख्यात है, तो ऐसे में चीन जिस आंकड़े को छिपा रहा था इसे लेकर तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, 40 जवान पीएलए के भी मारे गए थे गलवान की घटना में, ये बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त सामने आ रही है। मेजर जनरल एके सिवाच, देखिए ये वीडियो तो हम दिखा रहे हैं, और बार बार जब हम चीन की मंशा का, चीन के मंसूबों का जिक्र करते हैं तो देखिए फर्क यहां से पता चलता है। ये फर्क है भारत और चीन में, भारत ने कभी युद्ध को लेकर, कभी किसी दूसरे देश के क्षेत्र को लेकर कोई दावा नहीं किया, शांति की हमेशा पहल की है, लेकिन चीन ने उस मंशा का, उस पहल का हमेशा मजाक उड़ाया है। और ये एक ऐसा देश है जो अपने जवानों की शहादत तक को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता है, उस आंकड़े को छिपाता है। देखो बिल्कुल ठीक बोला आपको, ऐसा देश है जो कि अपने सैनिक जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है चीन में, उनका ना बता रहा है और ना उनको कोई भी ऑनर दिया जा रहा है। एक प्रकार से चीन जो है ऐसा देश है कम्युनिस्ट पार्टी का कि उसके ऊपर भरोसा करना कोई फायदा नहीं है, और उसकी अंदर की जो आज के तारीख में लोगों के अंदर इतना रोष पैदा हो गया है चीन के जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, कि लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तो देश ने उसका कितना सम्मान दिया, और चीन में आप मानने को तैयार नहीं है कि 40 से ज्यादा सैनिक जो है मारे गए और उनके ऊपर कोई सम्मान नहीं दिया। तो चीन एक ऐसा देश है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मगर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि देखो चीन जो है धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, और अपना जमावड़ा बढ़ाता गया। तिब्बत के अंदर उसने एक प्रकार से हैन को बसा दिया, तिब्बतों को वहां से निकाल दिया, और भारत कहीं ना कहीं बहुत स्लो था। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो था लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर, जितना तेज होना चाहिए था वो तेज नहीं था, और अभी 5-6 साल में ही इसकी बढ़ोतरी बढ़ी है। देर आए दुरुस्त आए, हमें अगर चीन के साथ मुकाबला करना है तो हमें 3 जगह से करना पड़ेगा, हमारी सैन्य शक्ति और उसके साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बनाना पड़ेगा। अगर हम वहां स्ट्रांग नहीं है तो हमारी जो फौज है उनको आगे जाने के लिए तकलीफ होगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत ने, चीन ने जिस प्रकार से अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, एक प्रकार से आज की तारीख में उन्होंने मिसाइल लगा दी है, और उसके बाद उन्होंने जो अपने क्या जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लगा लिया है, भारत ने भी एयरफोर्स को बढ़ाया है, मगर भारत ने जो कमी छोड़ी है वो छोड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो अभी हमें तेजी करनी पड़ेगी। और जो एक प्रकार से जो हमारी स्ट्राइक कोर थी 17 स्ट्राइक कोर, जिसको हम माउंटेन कोर बोलते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम आ गया कि आप चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, क्योंकि चीन कहता कुछ है करता कुछ है, आपको बातों में उलझा रहा है और उसके अलावा मंशा अलग है। देखो चीन क्यों घबराया हुआ है, चीन ने जब से हमने साउथ चाइना सी में अपना जो कि नेवी का पोत भेजा है उससे भी उसको बहुत बड़ी जलन है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम जो ये अभी अपना जो DBO है सब सेक्टर नॉर्थ, हमारा जो जमावड़ा बढ़ गया है ब्रिगेड स्ट्रेंथ से ज्यादा T-90, उसको डर है कहीं हम अक्साइचिन की तरफ तो ना आ जाएं, कहीं हम जो उसका हाईवे है G-29 जो लासा से लेके आपका जाता सिंगजांग प्रोविंस में, उसको तो हम कुछ ना कर दें, या हम कहीं
गिलगित बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर तो कुछ ना करे तो चीन भी डरा हुआ है। ये याद रखो, चीन को मालूम है भारत की फौज एक बैटल हार्डन है, भारत की फौज को एक्सपीरियंस है साइचन ग्लेशियर का ऑपरेशन विजय का, और चीन को मालूम है 1967 में हमने नथुला में किस प्रकार से 400 चीनियों को मौत की किया था, तो चीन को इसका पता है और चीन इस चीज से थोड़ा घबराया हुआ है और चीन को लगता है कि अब वो भारत बदला हुआ भारत है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, ये साल 2020 का भारत है और देखिए युद्ध का जो अनुभव भारतीय सेना को है उस अनुभव में बहुत पीछे दिखाई देता है चीन। और जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे, चीन ने पूरी दुनिया से ये छिपाया कि गलवान घाटी में उसके जवानों की शहादत किस स्तर पर हुई। अपने जवानों की शहादत को जो देश रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसका सम्मान नहीं करता, जिस आंकड़े को जाहिर नहीं करना चाहता, आप यहां से अंदाजा लगाइए कि उस देश की मंशा, उस देश की नीयत क्या है। बड़ा सवाल यही कि जो अपनों के नहीं हुए वो दूसरों के क्या होंगे। और हमारी सबसे बड़ी विवशता, मजबूरी कह लीजिए, वो ये है, दुर्भाग्य कह लीजिए, कि चीन हमारा पड़ोसी है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, फौरन लौटने एक ब्रेक के बाद।